श्री भृगु भार्गव ब्राह्मण समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन मेधावी छात्र छात्रा सम्मान एवं प्रांतीय महासभा का आयोजन 28 जुलाई को सागर के एमएस गार्डन तिलकगंज में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक पंडित गोपाल भार्गव, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबी रहेंगे। अध्यक्षता श्री भृगु भार्गव ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित नर्मदा शंकर भार्गव करेंगे। मेधावी छात्र छात्रा सम्मान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सजाती बंधुओं का भी सम्मान किया जाएगा। युवक युवती परिचय सम्मेलन में प्रदेश के अनेकों जिलों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ प्रातः 9 बजे होगा। श्री भृगु भार्गव ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष आशीष ज्योतिषी एवं संभागीय अध्यक्ष पीएल दीक्षित ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सागर में समाज का इतना विशाल आयोजन लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश से सजाती बंधु पधार रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए अनेक समितियां बनाई गई हैं। कार्यक्रम में सभी सजाती बंधुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करने वालों में आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकिशोर पुरोहित, संयोजक दीपक दुबे, स्वागत अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, यशोवर्धन चौबे, शिवशंकर दुबे, महेश दत्त भार्गव शामिल हैं। श्री भार्गव भृगु ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के तत्वावधान में संभाग स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन, युवक हमारे मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान, साथ ही प्रदेश भृगु भार्गव ब्राह्मण समाज की महासभा का आयोजन 28 जुलाई दिन रविवार को सागर के तिलकगंज स्थित एमएस गार्डन में बहुत गरिमामय रूप से किया जा रहा है। इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव रहेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में खुरई क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे जी रहेंगे। हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश भृगु भार्गव ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित नर्मदा शंकर भार्गव करेंगे। समस्त सजातीय बंधुओं से निवेदन है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति अधिक से अधिक संख्या में दें, ताकि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छी सूचना लोगों के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।